नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की दुपट्टा मार्केट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण यहां पर आग लग गई थी। तमाम जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है। आग बताया जा रहा है कि बुझा ली गई है, दुकान के जो शटर हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आग के जो कारण हैं वो पता नहीं लग पाए। शटर खोलने की ज़रूर बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन शटर फिलहाल खोलने में सफलता नहीं मिली। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को पता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, ये अपना हो गया कम से कम आधा घंटा हो गया है आग लगी को, तो अभी भी लगी हुई है ऊपर, मतलब तो गाड़ी भी चार पांच आ चुकी हैं, तो वैसे तो आधी मतलब कंट्रोल हो चुकी है आग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो। अंदर दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुल नहीं रही। दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी दुकान खुल नहीं रही, वैसे अपना चढ़े हुए हैं करने वाले, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो दुकानें हैं वो देखिए, वहाँ से भी धुआं निकल रहा है। दीपक धवन है, उनसे एक बार बात करते हैं। दीपक जी, क्या पूरा प्रकरण है ये? अभी आग लगने का कारणों का तो जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से एक क्रॉकरी की दुकान है सुभाष मार्केट में, उसमें धुआं निकलता देखा तो दुकानदार इकट्ठे हो गए, फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया, तो इसमें आग लगी हुई थी, तो अब आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, मून क्रॉकरी के नाम से दुकान है, इसके ऑनर हैं चित्रंजन जी, चित्रंजन बत्रा जी। खोलने की कोशिश की जा रही, शटर बाहर से खोलने की कोशिश की जा रही, सीढ़ियों के अंदर से तो शटर खुला था, सीढ़ियों के अंदर से पानी लगा दिया फायर ब्रिगेड वालों ने, बाकी अभी चल रही है कार्रवाई। नुकसान का पता लग रहा है? नुकसान का अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं पता। ऑनर इसके चित्रंजन जी हैं, चित्रंजन बत्रा जी, यही खड़े हैं वो नीले शर्ट में, ऊपर जा रहे हैं। ओके ओके, तो वो दुकानदार हैं जो ऊपर जा रहे हैं। फिलहाल देखिए कुछ सामान जरूर बाहर निकलवा लिया गया है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। ऊपर जाकर देख रहे हैं कि क्या कोई स्थिति ऐसी तो नहीं है जिससे जो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सके। तमाम आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर ज़रूर मौजूद हैं और दुकान से लगातार आप देख सकते हैं कि धुआं लगातार निकल रहा है। आग पर काबू ज़रूर पा लिया गया, फायर ब्रिगेड ने एक बार फिर से अच्छा काम करनाल में किया और किस तरह से वो देखिए आग कहीं ना कहीं अभी भी अंदर लग रही है, क्योंकि लगातार जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है। मून क्रॉकरी के नाम से ये दुकान है और लगातार जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से पूरी तरह से जो आग है उसे रोक लिया जाए। तमाम जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें करनाल के दुपट्टा मार्केट से आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुपट्टा मार्केट में जो आग अभी अभी लगी है उसी के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड ने ज़रूर एक बार अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये इसका गेट लगानी है, अंदर हमें। और सीधी तस्वीरें करनाल के दुपट्टा मार्केट से, जहाँ पर मून क्रॉकरी के नाम से ये दुकान है जहाँ पर आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर जो काबू है वो पा लिया है। लोग तमाम तरह की बातें ज़रूर कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड बाहर दिखाई दे रहा है, ये जला हुआ है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बोर्ड के अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। लोग लगातार मौके पर डटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर ज़रूर काबू पा लिया, कुछ सामान भी बाहर निकाला गया है, लेकिन फिलहाल जो आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ होगा ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। और जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उन्होंने एक बार फिर से अच्छा काम किया और जो तमाम जो गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रास्ते को एक तरफ से रोक दिया गया और फायर ब्रिगेड की जो ये गाड़ियां हैं वो मौके पर जो आग है वो बुझाती हुई कहीं ना कहीं दिख रही हैं और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया ऐसा लग रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद, जिससे पता लग रहा है कि आग किसी समय में बहुत ज़्यादा तेज़ रही है और लेकिन पुलिस ने माफ़ कीजिएगा फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम किया और जो आग है उस पर कहीं ना कहीं जो काबू है वो पा लिया गया है। आप यहीं थे मौके पर जब लगी? हाँ जी, अभी हाँ जी, अभी किसी के इधर बाहर अंदर दुकानदार बैठा था, बाहर से किसी ने बताया कि आपके ऊपर आग लग गई है। सभी दुकानदारों ने मिलकर नीचे का सामान भी कंट्रोल कर लिया सर, ऊपर भी फायर ब्रिगेड ने आके ठीक कर लिया काम।
जल्दी हो जाएगा कंट्रोल। यानी कि फायर ब्रिगेड ने जो आग थी वो बुझा ली? हाँ जी कंट्रोल है काम जी, अभी बुझ जाएगी ये। कंट्रोल हो गया, सब भाइयों के सहयोग, दुकानदारों ने भी काफी सहयोग दिया जी, सबने सामान भी उनका दुकानदार का ऊपर थोड़ा सा है, ये कंट्रोल में है काम। मेरा अमृतलाल। तो आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड ने बताया जा रहा है कि अच्छा काम एक बार फिर से किया और फिलहाल जो पूरी की पूरी जो आग है उसे रोक लिया गया है। अंदर जो सामान था, सामान दुकानदारों ने ज़रूर बाहर निकाल लिया, बाहर सामान आप देख सकते हैं, तमाम जो दुकानदार हैं इन्होंने मदद की और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुँच कर आग पर जो काबू पा लिया गया। नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन त्यौहारों का क्योंकि मौसम आने वाला है, ऐसे में दुकानदारों को कहीं ना कहीं ये बड़ी चपेट ज़रूर है, बड़ा नुकसान ज़रूर है कि किस तरह से दुकान में एक बार फिर से आग की जो घटना है वो सामने आई है। करण गेट के सामने जो ये दुपट्टा मार्केट है उसी के अंदर एक दुकान बनी हुई है मून क्रॉकरीज़ के नाम से, और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं ऊपर भी आप दिखाई देख सकते हैं कि ऊपर भी पूरे तरीके से डटे हुए हैं देखने के लिए कि क्या कुछ वहाँ पर है, और लगातार जो लोग हैं मौके पर मौजूद हैं और सामान काफ़ी बाहर निकाल लिया है। नुकसान जितना बचाया जा सकता था वो ज़रूर बचा लिया और लगातार जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आग पूरे तरीके से जो अंदर से भी बुझ जाए, और फायर ब्रिगेड ने एक बार फिर से अच्छा काम किया। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के दुपट्टा मार्केट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक दुकान में आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने मौके पर सही समय पर पहुंचकर उस आग पर ना केवल रोक लगा ली बल्कि एक बड़ा नुकसान होने से भी बचा लिया। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सबके साथ लाइव। धन्यवाद।